एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि लेट्स नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि इस टॉपिक का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो कि इस टाइम इस काम को न किया जाए जो चल रहा है, यानी इस वक्त इस काम को बंद कर दिया जाए या रोक दिया जाए जो जारी है या जो चल रहा है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सके। अगर आपको कहना हो चलो अब इस पर बहस नहीं करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट्स नॉट डिस्कस दिस मैटर, यानी चलो इस टॉपिक पर बहस नहीं करते हैं या बंद करते हैं। अगर आपको कहना हो चलो अब यहाँ ज्यादा देर न ठहरो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट्स नॉट स्टे हेयर टू लॉन्ग, यानी चलो यहाँ ज्यादा देर न ठहरो। अगर आपको कहना हो कि दूसरों के कामों में ध्यान नहीं देते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट्स नॉट मिडल इन अदर पीपल्स बिजनेस, यानी चलो दूसरों के काम में ध्यान नहीं देते या दूसरों के काम के बीच में नहीं पड़ते। अगर आपको कहना हो कि चलो बहुत उतावला मत बनो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट्स नॉट गेट टू एक्साइटेड, यानी चलो ज्यादा उतावला न बनो, चलो ज्यादा फिकर मत करो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट्स नॉट वरी टू मच, यानी चलो ज्यादा फिकर मत करो, चलो रास्ते में कहीं रुकते नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट्स नॉट स्टॉप एनीवेयर ऑन द वे, यानी चलो रास्ते में कहीं रुकते नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो इस टाइम इस काम को न किया जाए, यानी इस वक्त इस काम को न किया जाए जो चल रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप लेट्स नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। अगर वाकई आपको यह कांसेप्ट समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।